हम में से कई लोगों ने केरल में आए बाढ़ के विषय में पहली बार सुना होगा, क्योंकि केरल में 94 वर्षों के बाद ऐसा भयावह बाढ़ आया है। केरल के इतिहास में पहली बार 35 बांधों के फाटक एक साथ खोल दिए गए। इस प्राकृतिक आपदा ने किस तरह तबाही मचाई है, इसका अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि 370 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए और सहायता केंद्र में रहने को मजबूर। इस प्राकृतिक आपदा ने 50,000 से ज्यादा घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। राज्य के 200 पुल और 10,000 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस प्राकृतिक आपदा ने 3,000 किसानों को सीधी तौर पर प्रभावित किया है। राज्य की 54,000 हेक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह एक संकट की घड़ी है और हम सभी को धर्म, जाति, राजनीति से ऊपर उठकर केरल में रह रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। केरल की सरकार को वहां का जीवन सामान्य बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। देश भर में कई संगठन और कई लोग इसमें उनकी सहायता कर रहे हैं, पर यह आपदा इतनी बड़ी है कि और मदद की आवश्यकता है। हमारे पेज को फॉलो करने वाले सभी लोगों एवं समस्त झारखंड वासियों से हमारा अनुरोध है कि आप केरल के लोगों की मदद के लिए सामने आए। अगर आप पैसे से मदद करना चाहते हैं तो आप केरल के मुख्यमंत्री कोष में पैसे भिजवा सकते हैं। अभी आपके द्वारा किया गया 1 रुपए का मदद भी उनके लिए बहुमूल्य साबित होगा। हम पूजा पाठ के नाम पर कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे और कभी चर्च में कुछ न कुछ दान करते हैं। आइए इस बार इंसानियत के नाम पर कुछ दान करें। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी इंसान के काम आए। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ें और जो संभव हो केरल वासियों के लिए करें।